सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। आज परमेश्वर के कार्य को जानना। इन दिनों में परमेश्वर के कार्यों को जानना अधिकांशतः अंत के दिनों के देहधारी परमेश्वर को जानना है। ये जानना है कि उसकी मुख्य सेवकाई क्या है और पृथ्वी पर वो क्या करने के लिए आया है। मैंने पहले अपने वचनों में उल्लेख किया था कि प्रस्थान से पहले हमारे सामने एक उदाहरण स्थापित करने के लिए परमेश्वर पृथ्वी पर अंत के दिनों के दौरान आया है। परमेश्वर किस प्रकार यह उदाहरण स्थापित करता है? वचनों को बोलने के द्वारा, संपूर्ण देश में कार्य करने और बोलने के द्वारा। अंत के दिनों में यही परमेश्वर का कार्य है। वो केवल बोलता है ताकि पृथ्वी वचनों का संसार बन जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके वचनों द्वारा भरण पोषण और प्रबुद्ध किया जाए, और ताकि मनुष्य की आत्मा जागरूक हो जाए और वो स्वप्न के बारे में स्पष्ट हो जाए। अंत के दिनों के दौरान देहधारी परमेश्वर मुख्य रूप से वचनों को कहने के लिए आया है। जब यीशु आया, उसने स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार को फैलाया और क्रूसीकरण के छुटकारे का कार्य पूरा किया। वह व्यवस्था के युग का अंत लाया और उसने सभी पुरानी बातों को समाप्त कर दिया। यीशु के आगमन से व्यवस्था के युग का अंत हो गया और अनुग्रह के युग का आरंभ हुआ। अंत के दिनों के देहधारी परमेश्वर का आगमन अनुग्रह के युग के अंत को लाया है। वह मुख्य रूप से अपने वचनों को कहने, मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए वचनों का उपयोग करने, मनुष्य को रोशन और प्रबुद्ध करने और मनुष्य के हृदय से अज्ञात परमेश्वर के स्थान को हटाने के लिए आया है। यह कार्य का वो चरण नहीं है जो यीशु ने तब किया था जब वो आया था। जब यीशु आया तो उसने कई चमत्कार किए। उसने बीमारों को चंगा किया और पिशाचों को निकाला और सलीब पर चढ़ने का छुटकारे का कार्य पूर्ण किया। परिणाम स्वरूप अपनी धारणाओं में मनुष्य विश्वास करता है कि परमेश्वर को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब यीशु आया तो उसने मनुष्य के हृदय से अज्ञात परमेश्वर की छवि को हटाने का कार्य नहीं किया। जब वो आया तो उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया। उसने बीमारों को चंगा किया और पिशाचों को बाहर निकाला और उसने स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार को फैलाया। एक विचार से अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर का देह धारण मनुष्य की धारणाओं में अज्ञात परमेश्वर द्वारा धारण किए गए स्थान को हटाता है, ताकि मनुष्य के हृदय में अज्ञात परमेश्वर की छवि अब और नहीं रहे। अपने वास्तविक कार्य और वचनों का उपयोग करके वह संपूर्ण देशों में जाता है और मनुष्यों के बीच वह जो कार्य करता है वह
असाधारण रूप से वास्तविक और सामान्य होता है, इतना कि मनुष्य को परमेश्वर की सच्चाई पता लग जाती है और मनुष्य के हृदय में अज्ञात परमेश्वर का स्थान समाप्त हो जाता है। दूसरे विचार से, परमेश्वर अपनी देह द्वारा कहे गए वचनों का उपयोग मनुष्य को पूर्ण करने और सभी बातों को निष्पादित करने के लिए करता है। यही वह कार्य है जो परमेश्वर अंत के दिनों में निष्पादित करेगा। तुम लोगों को क्या अवश्य जानना चाहिए? एक, परमेश्वर का कार्य अलौकिक नहीं है और इसके बारे में तुम लोगों को कोई भी अवधारणाएं नहीं रखनी चाहिए। दो, तुम लोगों को मुख्य कार्य को अवश्य समझना चाहिए जो इस बार देहधारी परमेश्वर करने के लिए आया है। वह चंगा करने या पिशाचों को निकालने या चमत्कार करने नहीं आया है और वह पश्चाताप का सुसमाचार फैलाने या मनुष्य को छुटकारा प्रदान करने के लिए नहीं आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु ने पहले ही इस कार्य को कर दिया है और परमेश्वर एक ही कार्य को फिर कभी नहीं दोहराता है। आज परमेश्वर अनुग्रह के युग को समाप्त करने और अनुग्रह के युग की सभी प्रथाओं को बाहर निकालने आया है। व्यवहारिक परमेश्वर मुख्य रूप से यह दिखाने आया है कि वह वास्तविक है। जब यीशु आया तो उसने कुछ वचन कहे। उसने मुख्य रूप से चिन्ह और चमत्कार प्रदर्शित किए और लोगों को चंगा किया तथा दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, या अन्यथा उसने मनुष्यों को आश्वस्त करने और मनुष्य को यह दिखाने के लिए कि वह ही वास्तव में परमेश्वर है और एक निष्पक्ष परमेश्वर है भविष्यवाणियां की। अंततः उसने क्रूसीकरण का कार्य पूर्ण किया। आज का परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार नहीं करता है, न ही वह चंगा करता और पिशाचों को निकालता है। जब यीशु आया तो उसने परमेश्वर के एक भाग को प्रकट करने वाला कार्य किया, परंतु इस समय परमेश्वर कार्य के उस चरण को करने आया है जो बाकी है, क्योंकि परमेश्वर एक ही कार्य को दोहराता नहीं है। वह हमेशा नया रहने वाला परमेश्वर है और कभी भी पुराना नहीं पड़ता है, और इसलिए तुम आज जो कुछ भी देख रहे हो वह व्यावहारिक परमेश्वर के वचन और कार्य हैं। अंत के दिनों के देहधारी परमेश्वर मुख्य रूप से अपने वचनों को कहने, जो कुछ भी मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है उसे समझाने, जिसमें मनुष्य को प्रवेश चाहिए उसे दिखाने, परमेश्वर के कार्यों को मनुष्य को दिखाने और परमेश्वर की बुद्धि, सर्वशक्तिमत्ता और चमत्कारिकता को दिखाने के लिए आया है। उन कई मार्गों के माध्यम से जिनसे परमेश्वर बातचीत करता है, मनुष्य परमेश्वर की सर्वोच्चता, परमेश्वर की महत्ता को और इसके अलावा परमेश्वर की विनम्रता और प्रच्छन्नता को निहारता है। मनुष्य देखता है कि परमेश्वर सर्वोच्च है, परंतु वह विनम्र और प्रच्छन्न है
और इन सब में से लघुतम भी हो सकता है। उसके कुछ वचन प्रत्यक्षतः आत्मा के दृष्टिकोण से कहे गए हैं, उसके कुछ वचन प्रत्यक्षतः मनुष्य के दृष्टिकोण से कहे गए हैं और उसके कुछ वचन तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहे गए हैं। इसमें ये देखा जा सकता है कि परमेश्वर के कार्य करने के तरीके में बहुत भिन्नता होती है और यह वचन के माध्यम से है कि वह मनुष्य को इसे देखने देता है। अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर का कार्य सामान्य और वास्तविक दोनों है और इस प्रकार अंत के दिनों के लोगों का समूह सभी परीक्षणों में से सबसे बड़े परीक्षण के अधीन किया जाता है। परमेश्वर की सादगी और वास्तविकता के कारण सभी लोगों ने इस प्रकार के परीक्षणों के बीच प्रवेश किया है। यह कि मनुष्य परमेश्वर की परीक्षाओं में उतर गए हैं, ऐसा परमेश्वर की सादगी और वास्तविकता की वजह से है। यीशु के युग के दौरान कोई भी अवधारणाएं या परीक्षण नहीं थे, क्योंकि यीशु के द्वारा किया गया अधिकांश कार्य मनुष्य की अवधारणाओं के अनुसार था, इसलिए लोगों ने उनका अनुसरण किया और उसके बारे में कोई अवधारणाएं नहीं रखी थीं। आज के परीक्षण मनुष्य के द्वारा कभी भी सामना किए गए परीक्षणों में सबसे बड़े परीक्षण हैं, और जब यह कहा जाता है कि ये लोग बहुत महान क्लेश से निकलकर आए हैं, तो यही वह क्लेश है जिसके बारे में उल्लेख किया जाता है। आज परमेश्वर इन लोगों में विश्वास, प्रेम, सहनशीलता और आज्ञाकारिता उत्पन्न करने के लिए बोलता है। अंत के दिनों में देहधारी परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन मनुष्य की प्रकृति के सार के अनुसार, मनुष्य के व्यवहार के अनुसार तथा आज जिसमें उसे प्रवेश करना चाहिए उसके अनुसार हैं। उसके बोलने का तरीका वास्तविक और सामान्य दोनों है। वह आने वाले कल के बारे में नहीं बोलता है, न ही वह बीते हुए कल को पलटकर देखता है। वह केवल उसके बारे में बोलता है जिसमें प्रवेश किया जाना चाहिए, जिसे अभ्यास में लाना और आज ही समझना चाहिए। यदि वर्तमान समय में कोई व्यक्ति उभर कर आता है जो चिन्हों और चमत्कारों को प्रदर्शित करने, पिशाचों को निकालने और चंगाई करने में और कई चमत्कारों को करने में समर्थ है, और यदि यह व्यक्ति दावा करता है कि यह यीशु का आगमन है, तो यह दुष्ट आत्माओं की जालसाजी और उसका यीशु की नकल करना होगा। इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर एक ही कार्य को दोहराता नहीं है। यीशु के कार्य का चरण पहले ही पूर्ण हो चुका है और परमेश्वर फिर से उस चरण के कार्य को पुनः नहीं दोहराएगा। परमेश्वर का कार्य मनुष्य की सभी अवधारणाओं के असंगत है। उदाहरण के लिए, पुराने नियम में मसीहा के आगमन के बारे में पहले से ही बताया गया है, परंतु यह पाया गया कि यीशु आया इसलिए एक अन्य मसीहा का फिर से आना गलत होगा। यीशु एक बार आ चुका है और इस समय यदि यीशु को फिर से आना होता तो यह गलत होता।
प्रत्येक युग के लिए एक नाम है और प्रत्येक नाम युग के द्वारा चिन्हित किया जाता है। मनुष्य की अवधारणाओं में परमेश्वर को अवश्य हमेशा चिन्ह और चमत्कार दिखाने चाहिए। हमेशा चंगा करना और पिशाचों को निकालना चाहिए और हमेशा यीशु के ही समान अवश्य होना चाहिए। फिर भी इस समय परमेश्वर इन सब के समान बिल्कुल भी नहीं है। यदि अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर अभी भी चिन्हों और चमत्कारों को प्रदर्शित करता है और अभी भी दुष्ट आत्माओं को निकालता और चंगा करता है, यदि वह यीशु के ही समान करता है तो परमेश्वर एक ही कार्य को दोहरा रहा होगा और यीशु के कार्य का कोई महत्व या मूल्य नहीं होगा। इस प्रकार प्रत्येक युग में परमेश्वर कार्य के एक ही चरण को करता है। एक बार जब उसके कार्य का प्रत्येक चरण पूरा हो जाता है तो शीघ्र ही इसकी दुष्ट आत्माओं के द्वारा नकल की जाती है और शैतान द्वारा परमेश्वर का करीब से पीछा करने के बाद परमेश्वर एक दूसरे तरीके में बदल देता है। एक बार परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण पूर्ण कर लेता है तो इसकी दुष्ट आत्माओं द्वारा नकल कर ली जाती है। तुम लोगों को इन बातों के बारे में अवश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। परमेश्वर का आज का कार्य क्यों यीशु के कार्य से भिन्न है? आज परमेश्वर क्यों चिन्हों और चमत्कारों को प्रदर्शित नहीं करता है, पिशाचों को निकालता नहीं है और बीमारों को चंगा नहीं करता है? यदि यीशु का कार्य व्यवस्था के युग के दौरान किए गए कार्य के समान ही होता तो क्या वह अनुग्रह के युग के परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकता था? क्या यीशु क्रूसीकरण के कार्य को पूर्ण कर सकता था? यदि जैसा कि व्यवस्था के युग में था, यीशु मंदिर में गया होता और उसने सप्त को मान लिया होता तो उसे किसी के द्वारा सताया नहीं जाता और सभी के द्वारा अंगीकार कर लिया जाता। यदि ऐसा होता तो क्या उसे सलीब पर चढ़ाया जा सकता था? क्या वह छुटकारे के कार्य को पूरा कर सकता था? इसमें कौन सी बात होती यदि अंत के दिनों के देहधारी परमेश्वर यीशु के समान चिन्हों और चमत्कारों को दिखाता? केवल यदि परमेश्वर अंत के दिनों के दौरान अपने कार्य का दूसरा भाग करता, एक जो उनकी प्रबंधन योजना के भाग को प्रदर्शित करता हो, तभी मनुष्य परमेश्वर का गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है और केवल तभी परमेश्वर के प्रबंधन का कार्य पूर्ण हो सकता है। अंत के दिनों में परमेश्वर मुख्य रूप से अपने वचन बोलने के लिए आया है। वह आत्मा के दृष्टिकोण से, मनुष्य के दृष्टिकोण से और तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहता है। वह कुछ समय के लिए एक प्रकार का उपयोग करते हुए भिन्न भिन्न तरीकों से कहता है और बोलने के तरीकों का मनुष्य की अवधारणाओं को बदलने और मनुष्य के हृदय से अस्पष्ट परमेश्वर की छवि को हटाने के लिए उपयोग करता है। यही मुख्य कार्य परमेश्वर के द्वारा किया गया है।
क्योंकि मनुष्य विश्वास करता है कि परमेश्वर चंगा करने, पिशाचों को निकालने, चमत्कारों को करने और मनुष्य पर भौतिक आशीषें प्रदान करने के लिए आया है। इसलिए परमेश्वर कार्य के इस चरण को करता है, ताड़ना और न्याय का कार्य, ताकि मनुष्य की अवधारणाओं में से इस प्रकार की बातों को निकाल दिया जाए, ताकि मनुष्य परमेश्वर की वास्तविकता और सादगी को जान ले, और ताकि यीशु की छवि उसके हृदय से निकाल दी जाए और परमेश्वर की एक नई छवि से प्रतिस्थापित कर दी जाए। जैसे ही परमेश्वर की छवि मनुष्यों के हृदयों में पुरानी हो जाती है, तो वह एक प्रतिमा बन जाती है। जब यीशु ने आकर कार्य के चरण को किया, तो उसने परमेश्वर की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व नहीं किया। उसने कुछ चिन्हों और चमत्कारों को प्रदर्शित किया, कुछ वचन बोले और उन्हें अंत में सलीब पर चढ़ा दिया गया, और उसने परमेश्वर के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व किया। वह उस संपूर्ण को प्रकट नहीं कर सका जो परमेश्वर का है, बल्कि उसने परमेश्वर के कार्य के एक भाग को करने में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है और बहुत चमत्कारिक है और अथाह है, और क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक युग में अपने कार्य के एक भाग को करता है। इस युग के दौरान परमेश्वर द्वारा किया गया कार्य मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन के लिए वचनों का प्रावधान करना, मनुष्य की प्रकृति के सार और भ्रष्ट स्वभाव को प्रकट करना था, धार्मिक अवधारणाओं, सामंती सोच, पुरानी सोच, साथ ही मनुष्य के ज्ञान और संस्कृति को समाप्त करना था। यह सब कुछ परमेश्वर के वचनों के माध्यम से अवश्य सामने लाया जाना और साफ किया जाना चाहिए। अंत के दिनों में मनुष्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर वचनों का उपयोग करता है, न कि चिन्हों और चमत्कारों का। वह मनुष्य को उजागर करने, मनुष्य का न्याय करने, मनुष्य को ताड़ित करने और मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए वचनों का उपयोग करता है, ताकि परमेश्वर के वचनों में मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि और सुंदरता को देख ले और परमेश्वर के स्वभाव को समझ जाए, ताकि परमेश्वर के वचनों के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर के कार्यों को निहार ले। व्यवस्था के युग के दौरान मूसा को यहोवा अपने वचनों के साथ मिस्र से बाहर ले गए और कुछ वचन इज़राइलियों को बोले। उस समय परमेश्वर के कर्मों के हिस्से को समझाया गया था, परंतु क्योंकि मनुष्य की क्षमता सीमित थी और कोई भी चीज उसके ज्ञान को पूर्ण नहीं कर सकती थी, इसलिए परमेश्वर निरंतर बोलता और कार्य करता रहा। अनुग्रह के युग में मनुष्य ने एक बार और परमेश्वर के कार्यों के हिस्से को देखा। यीशु चिन्हों और चमत्कारों को दिखाने, चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने में और सलीब पर चढ़ने में समर्थ था, जिसके 3 दिन बाद वह पुनर्जीवित हुआ था और देह में मनुष्य के सामने प्रकट हुआ था।
परमेश्वर के बारे में मनुष्य इससे अधिक और कुछ नहीं जानता है। मनुष्य उतना ही जानता है जितना उसे परमेश्वर के द्वारा दिखाया जाता है। और यदि परमेश्वर को मनुष्य को और अधिक नहीं दिखाना होता तो यह परमेश्वर के बारे में मनुष्य के परिसीमन की सीमा होती। इस प्रकार परमेश्वर कार्य करता रहता है ताकि उसके बारे में मनुष्य का ज्ञान अधिक गहरा हो जाए और ताकि वह धीरे धीरे परमेश्वर के सार को जान जाए। परमेश्वर अपने वचनों को मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए उपयोग में लाता है। परमेश्वर के वचनों के माध्यम से तुम्हारा भ्रष्ट स्वभाव प्रकट होता है और तुम्हारी धार्मिक अवधारणाएं परमेश्वर की वास्तविकता के द्वारा प्रतिस्थापित होती हैं। अंत के दिनों का देहधारी परमेश्वर मुख्य रूप से अपने इन वचनों को पूरा करने आया है कि वचन देहधारी होता है, वचन देह में आता है और वचन देह में प्रकट होता है। और यदि तुम्हें इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो तुम तब भी दृढ़ता से खड़े रहने में असमर्थ रहोगे। अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर मुख्य रूप से कार्य के ऐसे चरण को पूरा करने का विचार रखता है जिसमें वचन देह में प्रकट होता है और यह परमेश्वर के प्रबंधन की योजना का एक भाग है। इस प्रकार तुम लोगों का ज्ञान स्पष्ट अवश्य होना चाहिए इस बात की परवाह किए बिना कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। परमेश्वर स्वयं की सीमा निर्धारित करने की मनुष्य को अनुमति नहीं देते हैं। यदि परमेश्वर ने अंत के दिनों के दौरान इस कार्य को नहीं किया होता तो मनुष्य का परमेश्वर के प्रति ज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता है। तुम केवल यह जानोगे कि परमेश्वर को सलीब पर चढ़ाया जा सकता है और परमेश्वर सदोम को नष्ट कर सकता है और कि यीशु मर कर भी जीवित हो सकता है और पतरस के सामने प्रकट हो सकता है। परंतु तुम कभी भी नहीं कहोगे कि परमेश्वर के वचन सब कुछ निष्पादित कर सकते हैं और मनुष्य को जीत सकते हैं। केवल परमेश्वर के वचनों का अनुभव करने के द्वारा ही तुम इस प्रकार के ज्ञान के बारे में बोल सकते हो। और जितना अधिक तुम परमेश्वर के कार्य का अनुभव करोगे उतना ही अधिक विस्तृत तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा। केवल तभी तुम अपनी स्वयं की अवधारणाओं की सीमाओं में परमेश्वर को बांधना समाप्त करोगे। मनुष्य परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करने के द्वारा उसे जान लेता है और परमेश्वर को जानने का कोई अन्य सही मार्ग नहीं है। आज यहां कई लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं बल्कि चिन्हों और चमत्कारों तथा विनाश के समय को देखने की प्रतीक्षा करते हैं। क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो अथवा क्या तुम विनाश पर विश्वास करते हो? यदि तुम विनाश तक इंतजार करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। और यदि परमेश्वर विनाश को नहीं भेजता है तो क्या तब वह परमेश्वर नहीं है? क्या तुम चिन्हों और चमत्कारों पर विश्वास करते हो या तुम परमेश्वर स्वयं पर विश्वास करते हो? जब दूसरों के द्वारा यीशु का उपहास किया गया था तो उसने
चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाए तो क्या वह परमेश्वर नहीं था? क्या तुम चिन्हों और चमत्कारों पर विश्वास करते हो, अथवा तुम परमेश्वर के सार में विश्वास करते हो? परमेश्वर में विश्वास के बारे में मनुष्य का दृष्टिकोण गलत है। यहोवा ने व्यवस्था के युग में बहुत से वचन कहे, बल्कि यहां तक कि आज भी उनमें से कुछ को अभी पूरा होना है। क्या तुम कह सकते हो कि यहोवा परमेश्वर नहीं था? आज तुम सभी लोगों को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अंत के दिनों में यह मुख्य रूप से वचन देहधारी हुआ का तथ्य है, जो परमेश्वर के द्वारा निष्पादित हुआ है। पृथ्वी पर परमेश्वर के वास्तविक कार्य के माध्यम से वह मनुष्य को परमेश्वर को जानने का और उसके साथ संलग्न करने का और उसके वास्तविक कर्मों को देखने का कारण बनता है। वह मनुष्यों को स्पष्टता से देखने का कारण बनता है कि वह चिन्हों और चमत्कारों को दिखाने में सक्षम है। और ऐसे समय भी आते हैं जब वह ऐसा करने में असमर्थ होता है, और यह युग पर निर्भर करता है। इससे तुम देख सकते हो कि परमेश्वर चिन्हों और चमत्कारों को दिखाने में अक्षम नहीं है, बल्कि इसके बजाय वह अपने कार्य के अनुसार और युग के अनुसार कार्य प्रणाली को बदल देता है। कार्य के वर्तमान चरण में वह चिन्हों और चमत्कारों को नहीं दिखाता है, यह कि उसने यीशु के युग में कुछ चिन्हों और चमत्कारों को दिखाया था। वह इसलिए था क्योंकि उस युग में उनका कार्य भिन्न था। परमेश्वर आज उस कार्य को नहीं करता है, और कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं कि वह चिन्हों और चमत्कारों को दिखाने में अक्षम हैं, या अन्यथा वे सोचते हैं कि यदि वह चिन्हों और चमत्कारों को नहीं दिखाता है तो वह परमेश्वर नहीं है। क्या यह एक भ्रांति नहीं है? परमेश्वर चिन्हों और चमत्कारों को दिखाने में सक्षम है, परंतु वह एक भिन्न युग में कार्य कर रहा है, और इसलिए वह इस प्रकार का कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह भिन्न युग है, और क्योंकि यह परमेश्वर के कार्य का एक भिन्न चरण है, इसलिए परमेश्वर द्वारा समझाए गए कर्म भी भिन्न हैं। मनुष्य का परमेश्वर पर विश्वास चिन्हों और चमत्कारों पर विश्वास करना नहीं है, न ही आश्चर्यों पर विश्वास करना है, बल्कि नए युग में उसके वास्तविक कार्य पर विश्वास करना है। मनुष्य परमेश्वर को उस तरीके के माध्यम से जानता है जिससे परमेश्वर कार्य करता है, और यह ज्ञान मनुष्य में परमेश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर के कार्य और कर्म पर विश्वास। कार्य के इस चरण में परमेश्वर मुख्य रूप से बोलता है, चिन्हों और चमत्कारों की प्रतीक्षा मत करो, वह तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि तुम अनुग्रह के युग में पैदा नहीं हुए थे। यदि तुम पैदा हुए होते तो तुम चिन्हों और चमत्कारों को देख सकते थे, परंतु तुम अंत के दिनों के दौरान पैदा हुए थे, और इसलिए तुम केवल परमेश्वर की
वास्तविकता और सादगी को देख सकते हो। अंत के दिनों में अलौकिक यीशु को देखने की अपेक्षा मत करो। तुम केवल व्यवहारिक देहधारी परमेश्वर को ही देखने में सक्षम हो, जो किसी भी सामान्य मनुष्य से भिन्न नहीं है। प्रत्येक युग में परमेश्वर विभिन्न कर्मों को समझाता है। प्रत्येक युग में वह परमेश्वर के कर्मों को समझाता है और प्रत्येक युग का कार्य परमेश्वर के स्वभाव के एक भाग का प्रतिनिधित्व करता है और परमेश्वर के कर्मों के एक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। कर्म जिन्हें वह समझाता है उस युग के हिसाब से भिन्न भिन्न होते हैं जिसमें वह कार्य करता है, परंतु ये सब मनुष्य को परमेश्वर का ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जो गहरा होता है। परमेश्वर पर ऐसा विश्वास जो बहुत व्यावहारिक एवं बहुत सच्चा होता है। मनुष्य परमेश्वर के समस्त कर्मों की वजह से परमेश्वर में विश्वास करता है और इसलिए विश्वास करता है क्योंकि परमेश्वर बहुत चमत्कारिक है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और अथाह है। यदि तुम परमेश्वर पर इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि वह चिन्हों और चमत्कारों को प्रदर्शित करने में सक्षम है और बीमारों को चंगा कर सकता है और पिशाचों को बाहर निकाल सकता है, तो तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है। और कुछ लोग तुमसे कहेंगे कि क्या दुष्ट आत्माएं भी इस तरह की चीजें करने में सक्षम नहीं है? क्या यह परमेश्वर की छवि को शैतान की छवि के साथ भ्रमित करना नहीं है? आज परमेश्वर पर मनुष्य का विश्वास उसके कई कर्मों और उन तरीकों की वजह से है जिनसे वह कार्य करता और बोलता है। परमेश्वर अपने कथनों का उपयोग मनुष्य को जीतने और उसे पूर्ण बनाने के लिए करता है। मनुष्य परमेश्वर पर उसके कई कर्मों की वजह से विश्वास करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वह चिन्हों और चमत्कारों को दिखाने में सक्षम है, और मनुष्य उन्हें केवल इसलिए समझता है क्योंकि वह उसके कर्मों को देखता है। केवल परमेश्वर के वास्तविक कर्मों को जानकर, यह जानकर कि वह कैसे कार्य करता है, वह कौन से बुद्धिमान तरीकों का उपयोग करता है, वह कैसे बोलता है और वह मनुष्य को कैसे पूर्ण बनाता है, केवल इन पहलुओं को जानने के बाद ही तुम परमेश्वर की वास्तविकता को बूझ और उसके स्वभाव को समझ सकते हो। उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है, कैसे वह मनुष्य पर कार्य करता है। परमेश्वर की पसंद और नापसंद को समझने के द्वारा तुम उसके बीच में भेद कर सकते हो जो सकारात्मक और नकारात्मक है, और परमेश्वर के बारे में तुम्हारे ज्ञान के माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रगति होती है। संक्षेप में, तुम्हें परमेश्वर के कार्य का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास के बारे में अपने विचारों को सुधार लेना चाहिए।